बहुत सारी सब्जियां ऐसी भी है जिसे लोग भर के खाना पसंद करते हैं, यानी कि भरवा सब्जी बनाने के लिए हमें इसी तरह का कोई मसाला बनाना पड़ता है, और ये मसाला बनाने के लिए हमें इसी तरह बहुत सारे मसाले की जरूरत होती है। तो आज मैं आपके साथ यही मसाला बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे आप एक बार बना के बहुत लंबे समय तक स्टोर कर सकते हो और जब मन हो तब तो फटाफट यूज भी कर सकते हो। तो मैं हूँ ममता भट्ट और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले भून लेते हैं सूखी मिर्च, और जैसे ही पैन गर्म हो जाए तुरंत बाद हमें गैस की फ्लेम लो कर लेनी है, और बिल्कुल लो फ्लेम पे ही हमें सारे मसाले को भून लेना है। लाल मिर्च को करीब 1.5 मिनट तक मैंने भून लिया है, और अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून जितने सिंगदाने, और सिंगदाने को भी हमें करीब 1.5 मिनट तक भून लेना है। सिंगदाना जब हल्के से भून जाए इसके बाद हमें ऐड करना है 3 टेबलस्पून रोस्टेड चना दाल, 1.5 टेबलस्पून जीरा, 1.5 टेबलस्पून सूखे धनिया, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा छोटे छोटे टुकड़े करके ऐड करेंगे, 4 से 5 लौंग ले लेते हैं, 12 से 15 हमें ब्लैक पेपर लेने हैं, या तो आप 1/2 टीस्पून भी ले सकते हो, और ये सारे मसाले को हमें लो फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए भून लेना है। मसाले हमें हल्के से भूनना है, ज़्यादा नहीं भून लेना है। तो इसी तरह चेक करेंगे, एक मिर्च को हम इसी तरह दबा के देखेंगे, आप देख सकते हो कि मिर्च आसानी से टूट नहीं रही है, यानी कि हमें मसाले को और भूनना है। मसाले को करीब 1 मिनट के लिए मैंने और भून लिया है, फिर से एक बार चेक करते हैं, आप देख सकते हो कि अब हमारी मिर्च अच्छे से टूट रही है, यानी कि हमारे मसाले अब अच्छे से भून चुके हैं। तो बाकी के मसाले भी अभी ऐड कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ ऐड किया है 3 टेबलस्पून तिल, और साथ में ही ऐड कर लेते हैं 1/2 टीस्पून हींग। तिल को भूनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, इसीलिए हमें तिल को लास्ट में ही ऐड करना है। तिल ऐड करने के बाद सारे मसाले को हमें 1 मिनट तक भूनना है, और इसके बाद हम ठंडा होने के लिए रख लेंगे, और जब ठंडा हो जाए तो फिर से एक बार चेक करेंगे, आप देख सकते हो कि अब हमारी मिर्च पहले से भी बहुत ही अच्छी तरह से टूट रही है। सारे मसाले अच्छे से ठंडे हो गए हैं, तो अब हम क्रश करेंगे और साथ में ही बाकी के मसाले भी ऐड कर लेंगे। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, आप कम या ज़्यादा भी ले सकते हो, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक मैंने 1 टेबलस्पून लिया है, और ये भी आप आपके टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा ले सकते हो, 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर लिया है मैंने। अब सारे मसाले को क्रश कर लेंगे, पर शुरू में हमें मिक्सी सिर्फ 15 से 20 सेकेंड तक ही चलानी है, और इसके बाद सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि हमारे मसाले कोई भी साबुत ना रह जाए और अच्छे से क्रश हो पाए। आपको अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने ग्रुप में जरूर शेयर करें। इसी तरह मसाले को भूनने के बाद क्रश करने से ये मसाले बहुत ही अच्छी तरह से क्रश हो जाते हैं, और ये मसाला बहुत लंबे समय तक हम स्टोर भी कर पाते हैं। टोटल मैंने 45 सेकेंड्स तक मिक्सी को चलाया है, और अब आप देख सकते हो कि हमारा मसाला अच्छे से क्रश हो चुका है। तो आप भी ये मसाला ज़रूर ट्राई करें, और आपके एक्सपीरियंस नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर शेयर करें। मसाले को एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके जब मन चाहे यूज़ कर सकते हो। आपको अगर मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और पास में दिए गए बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।